हेलो गाइस, प्री डीएलए 2022 स्टूडेंट के लिए खुशखबरी की बात है कि जिन स्टूडेंटों ने अपनी काउंसलिंग नहीं करवाई थी उनके लिए फिर से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं और उसके बाद में जिन स्टूडेंट ने अपनी काउंसलिंग कंप्लीट करवा दी, जैसे 3,000 रुपये की आपने फीस डिडक्ट करवा दी है, तो आपको फॉर्म भी अनलॉक हो चुका है। तो आपको अब क्या करना होगा, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मेरे साथ में बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें जिससे किसी भी तरह की कोई भी जानकारी ना छूट। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो सर्वप्रथम दोस्तों आपको कैंडिडेट लॉगिन में जाना है और यहाँ पर आपको लॉगिन हो जाना है। जो भी आपके आईडी पासवर्ड बनाए हुए हैं यहाँ पर एक बार लॉगिन हो जाएं, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उस समय जो लॉगिन आईडी बनाई थी या मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के सबमिट करके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ, यानी कि जिन स्टूडेंट ने अपनी काउंसलिंग नहीं करवाई है तो उनके लिए सर्वप्रथम अपने को फीस डिडक्ट करवानी होगी। आपको फीस कंप्लीट डिडक्शन करवानी है, उसके बाद में आपकी कॉलेज चॉइस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आपको फीस डिडक्ट करवाने के लिए स्टेप पर क्लिक करना होगा, जो काउंसलिंग फीस का टैब बना हुआ है यहाँ पर आपका डाटा आ जाता है, जहाँ से आपको बैंक सेलेक्ट कर देना है, पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने ICICI बैंक और ऑनलाइन पेमेंट मोड किया है। अब आप किसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग है या अदर बैंक का नेट बैंकिंग है, आप जिससे भी करना चाहें वहां से फीस डिडक्ट करवा सकते हैं। तो आपको यहां पर रिफ्रेश टू अपडेट प्रीमियम एक बार चेक कर लेना, फिर अपने को प्रोसेस टू पे पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपका डाटा शो हो जाएगा और पे नाउ एंड सबमिट कर देना है, और यहाँ से आपको अपनी फीस है जो कम्प्लीट डिडक्शन है जो करवा देनी है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका फेस का टैब है जो ओपन हो चुका है। अब ये प्रोसेस था जो स्टूडेंट अपनी फीस प्रथम बार डिडक्शन करवाना चाहते हैं, और जिन स्टूडेंट ने अपने पहले फीस है जो 3,000 रुपये डिडक्शन कर दी गई है तो उनको क्या करना होगा, उनको यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पे जाना है। यहाँ पर आपको लॉगिन होने के बाद में जैसा कि आपने पेमेंट कंप्लीट कर दिया है तो कन्फर्म हो जाएगा, यहाँ पर आपका स्टेटस भी बता देगा, आप यहाँ से चेक रिव्यू भी कर सकते हैं। अब अपने को सेलेक्ट प्रोग्राम नेम, यहाँ पर प्रोग्राम सेलेक्ट कर देना है और फिर आगे बढ़ना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका फीस का टैब कंप्लीट होने के बाद में आपका कॉलेज चॉइस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंतर्गत आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका कोर्स सेलेक्ट करना है और कॉलेज सेलेक्ट करना है और ऐड करना है। जितने भी आप कॉलेज सेलेक्ट करना चाहें वो इतनी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है और लास्ट में आपको एनी वेयर इन राजस्थान, यानी मुझे राजस्थान में कहीं पर भी सेलेक्शन हो जाए तो आपको ये करना है और क्लियरिटी पे टिक करके ओके कर देना है। यहाँ से एक बार सेव कर देना है और फिर इस तरह आपको सेव एंड लॉक कर देना है फाइनल लास्ट में, और फिर आप फॉर्म की प्रिंट ले सकते हैं। इस तरह आपका प्रोसेस है ये जो कंप्लीट हो जाएगा। जिन स्टूडेंट ने 3,000 रुपये का पहले चालान करवाया है उनका अनलॉक हो चुका है, इसलिए आपको एक बार लॉक करना ज़रूरी है। आशा करते हैं दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।